रोका छेका अभियान के तहत पशुओं को पकड़ने दिन भर निगम की टीम शहर में अपने संसाधनों के साथ घूमती रही। जहां भी आवारा पशु नजर आए उन्हें काऊ केचर वाहन में डालकर सीधे गौठान में छोड़ दिया गया। सोमवार को मुख्य रूप से नेशनल हाईवे को टारगेट किया गया था। नेहरू नगर चौक से लेकर डबरा पारा तक टीम पशुओं को पकड़ने का कार्य करती रही। चूंकि भिलाई क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से सड़क सक्रिय हो गई है, वहीं दिन रात हजारों वाहनों का इस मार्ग से गुजरना होता रहता है। सड़कों पर आवारा पशुओं के जमघट से दुर्घटना बढ़ने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। खासकर रात्रि में पशुओं के सड़कों पर बैठे होने से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। काले रंग के पशु तो आसानी से नजर भी नहीं आते हैं। इन सब कारणों से निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आवारा पशुओं को पकड़ने अभियान छेड़ दिया गया है। पूरे नेशनल हाईवे के किनारे से 25 आवारा पशुओं को पकड़ा गया। कुछ पशुपालकों ने स्पॉट पर ही पशु को छुड़ाने की मांग की, परंतु निगम की टीम ने गौठान से रसीद कटवाकर पशु ले जाने को कहा। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।